हाय दोस्तों, तो अभी हूँ मैं अपने दुकान में और अभी कुछ दिन पहले एक मोबाइल आया था, मैं मंगाया था और जिसको मैं वापस करना चाह रहा था लेकिन सब में इसको वापस करने दे नहीं रहे, हाथ में पकड़ के रखा हुआ है। करना चाहिए कि नहीं दिन में, तो मैं वापस करना चाह रहा था लेकिन वापस कर ही नहीं रहा है और सौ में लग गया है उस मोबाइल के पीछे। तो अब रख लेते हैं मोबाइल, तो अनबॉक्सिंग करते हैं सौम्य के हाथों मोबाइल का। तो सौम्य एकदम प्रफुल्लित है और ये है वो नया वाला सेट। तो अब तक जो वीडियो बन रहा था वो मेरे इस रेडमी नोट 5 प्रो से बन रहा था और अब इसके बाद जो वीडियो बनेगा वो नॉर्ड से बनेगा, वन प्लस नॉर्ड। तो देखते हैं क्वालिटी में फर्क। तो कुछ दिन इस सेट को मैं यूज करूंगा बाबू, ठीक है? तो इस सेट को फिलहाल कुछ दिन मैं यूज करूंगा, उसके बाद में देखेंगे और कौन सा सेट कैसे करना है। बाद में आपका लगेगा बिंगन। आज दिन है गुरुवार, तो समय जैसा भी आए हर चीज़ों से लड़ते हुए हमें आगे निकलना होता है, अपने आप को मजबूत करके आगे चलना पड़ता है, अपने काम वाम की तरफ ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हमारे पीछे हमारा परिवार होता है, बच्चे होते हैं। तो स्थितियां कई प्रकार की आती जाती रहती हैं, मन को मजबूत रखना पड़ता है, अंदर में तकलीफें बहुत होती है लेकिन हर किसी को एक किनारे में डालकर इंसान को अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ानी ही पड़ती है। वैसा ही है, सब कुछ एक तरफ हो गया है, समय बीतता चला जा रहा है और बस अपना व्यापार चालू कर चुके हैं, दुकान उकान खोल चुके हैं, लेकिन जैसे ही दुकान खोले मौसम देखिए, बिल्कुल मौसम का मिजाज बदल सा गया है और पानी जो है लगभग 3-4 दिनों से लगातार गिर रही है और पता नहीं ये मौसम अब कैसा रहेगा, समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ बच्चों को आप देखिए, सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं देखिए, और ऐसा लग रहा है कि शाम के 6 बजने वाले हैं। और ये आ गया है दुकान में कांजी बड़ा सुबह सुबह। काफी देर बाद अभी पानी रुका हुआ है और चलते हैं बस स्टैंड की ओर। हमारे कुछ दोस्त अगर यहाँ दिख जाए तो देख लेते हैं। जय बजरंगबली। एक तो उधर से रास्ता है पीछे की तरफ से और एक ये होटल है जिससे हम लोग बस स्टैंड की तरफ जा सकते हैं। ये देखिए छोटा सा होटल है हमारे गुड़ा भाई का। गरम क्या बना है गुड़ा? समोसा है, बड़ा निकल रहा है ऐसा, और चाय भी है कि? चाय एकदम। अरे वाह, ठीक है ना, हम लोग यहीं पे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ छान। तो ये है हमारे बाग बाहर का फिलहाल नज़ारा देखिए, एकदम खाली खाली सड़कें। महाराज हाँ चाय पीने। और ये हमारे तनोज महाराज। गरम गरम समोसा मीठा और मिर्च चटनी के साथ। अभिषेक शर्मा छोटा भाई, नया नया मेडिकल स्टोर खोला है अभी अभी ये। और ये है छोटा भाई रुपेश सोनी, और रुपेश के पास भाई पान का आनंद लेना है, मीठा पान का, चमन चटनी इलायची पेपरमेंट और गुलकंद, बस काफी है इतना। तो सुपारी चिप्स थोड़ा सा दे दे, लाइट भी आ गया। और
पानी गिरने के बाद कुछ स्थिति ऐसा है, देखिए दुकान सब्जी दुकान वाले भी काफ़ी कम है क्योंकि सुबह से पानी गिर रहा था, अभी भी पूरा रास्ता भीगा हुआ है। क्या है भाई पैरा खुखड़ी 200 रुपये किलो। अब दुकान के बाद मैं अपने आ गया हूँ घर से पीछे की तरफ, और पीछे का कंडीशन कुछ ऐसा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। बारिशों में क्या है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो और ज़्यादा स्पीड से वृद्धि करते हैं, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, ये देखिए। और ये हमारा जो मैं आप लोगों को पौधा बताया था इलायची का, ये भी प्रोग्रेस करने लगा है, अचानक से इसकी वृद्धि हुई है, तेज़ी से बढ़ने लगा है। अब मुझे ये पता नहीं है कि इस पे इलायची का जो फल होता है वो लगता कैसा है, अभी तक मेरे को जानकारी नहीं है कि इसमें इलायची फलता कैसे है, तो अब बस फलने का इंतज़ार है। हमारा आम का जो पेड़ था वो भी बढ़ने लगा है, इसे बारहमासी आम कहते हैं। जब मैं ये लेके यहाँ पे लगवा दिया था तो मेरे को पता नहीं था, वो बताते हैं कोई दशहरी था, कोई कलमी, अलग अलग प्रकार की थी। तो ये एक मैं लगाया था, इसे हमारे गुप्ता जी जो सामने रहते हैं वो क्या है, पेड़ पौधों का कुछ ज़्यादा ज्ञान है, तो वो कहते हैं कि बारहमासी है ये, क्योंकि इस पर ये देखिए मोर लग गए थे और ये छोटे छोटे आम भी फलने लग गए हैं। ये देखिए ये जो खाली खाली दिख रहे हैं, इसकी भी जाली बन गई है, वो पोतने के लिए जा रखी है, तो पोतने के बाद ये जो है पैक हो जाएगा। और हमारा कुआं देखिए कितना लबालब भर गया है, बिल्कुल ऊपर तक मुश्किल से 3-4 फीट ही बचा है, ये पैक होने के लिए लगभग 20 फीट इसकी गहराई है। हमारे घर में एक्चुअली बोर लगा हुआ है उस तरफ, और कुआं भी यूज़ में आता है क्योंकि मेरे पापा जो थे वो बहुत प्रेम से इस कुएँ को कोड़वा रखे, उनका बहुत रुचि था, वो कई बार खेती भी किया करते थे इसी कुएँ के द्वारा जो है हमारे खेत पे। और जिस घर पे तुलसी की पूजा होती है वहाँ वास्तु का जो दोष होता है वो खत्म हो जाता है, तो बाकी तो सब मैं वास्तु के हिसाब से कर रखा था, बस ये जो है इस कोण पे घर के मतलब जो है इस जैसे उस साइड को अपन ईशान बोलते हैं और इस तरफ को मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कि कौन सा कोण कहते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि ईशान कोण पे पानी का जो है बोर हो गया, कुछ भी पानी से संबंधित चीज़ें करनी चाहिए, तो लेकिन ये थोड़े से अलग दिशा की तरफ है, लेकिन मेरे पापा की निशानी है। अब हमारे सचिन जी भी यहाँ पहुँच गया है, ये है सचिन, कुछ भी टेक्निकल काम पड़ता है तो सचिन है यहाँ पे, क्योंकि तो हमारा नेचर है वो इस पर कैसा झलक रहा है, कैसा दिख रहा है, वही मैं चेकिंग कर रहा था, तो रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखते हैं पहला ब्लॉग होगा इस कैमरे के साथ, नॉड के साथ, तो कैसा आता है देखते हैं, इम्प्रेसिव रहेगा। तो ये वही है अभी जो चिंतावड़ी के साथ जो रायपुर गया था कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले तुम लोग गए थे ना। हाँ, तो ये रायपुर गया नहीं, आज ही के दिन, आज ही के दिन गए थे कि आज का क्या दिन, फर्स्ट डे के दिन ये रायपुर गया था और वहां से अपना काम निपटा के आ गया है बाग बाहर। तो ये वही चेहरा है, रिमेम्बर इट। तो अभी फिलहाल लाइफ में यही सब चीज़ें चल रही हैं, तो वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग पर, तब तक गुड डे, जय बजरंगबली, हर महादेव।